ओम अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम धनुज वनक शानम ज्ञान नामम गगण्यम सकल गुण निधानम बान राणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ प्रायः सभी लोग करते हैं, संकट हरण हनुमान अष्टक भी सभी लोग करते हैं, मगर जाने अनजाने में बजरंग बाण का पाठ भी कई लोग कर बैठते हैं और कई लोग प्रतिदिन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण के अंदर विशेष रूप से कई देवताओं की आन है, सौगंध है, जिससे कि हमें उसका दोष लगता है। अगर अनुकूल परिस्थिति में भी अगर बजरंग बाण का व्यक्ति कोई पाठ करता है तो उसे उसका दोष अवश्य लगता है, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान राम सीता जी की अन्य देवताओं की सौगंध आन दी गई है, सौगंध दी गई है इसलिए। और विपरीत परिस्थिति जब व्यक्ति के जीवन में ऐसा कष्ट हो कि कष्ट से निकलने का कोई उसे उपाय सूझ ही नहीं रहा हो और बड़ा ही परेशान हो या संकट से गिरा गया हो, तब बजरंग बाण का पाठ करें। और उसका भी तरीका ये है कि बजरंग बाण का पाठ नाभि पर्यंत जल के अंदर खड़े होकर के करने पर ही जल्दी इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर के व्यक्ति की वह बड़ा संकट या बाधा दूर कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष पवित्र सरोवर का या नदी का चयन किया जाना चाहिए। इसके बाद ही बजरंग बाण का पाठ करने से हमें बजरंग बाण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कोई दोष नहीं लगता। धन्यवाद।